बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अकराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैनर की लिखाई कैसे की जाती है, कपड़े पर कैसे लिखते हैं? आपने देख लिया होगा कि हमने सबसे पहले कपड़े के चारों कोनों को कीलों के साथ टाइट किया कि कपड़ा हिल न सके, उस पे कोई ऐसी झुरी ना हो ताकि लिखाई में आसानी रहे। हमने कपड़े को लिया, उसको रंगों के साथ तकसीम कर लिया। अगर आप चाहें तो कच्ची पेंसिल के साथ भी इसे तकसीम कर सकते हैं। मैंने इसे रंगों के साथ अलग किया कि यहाँ क्या लिखना है, ये जगह किस लिए है। कपड़े को तीन हिस्सों में तकसीम कर लिया, बल्कि चार हिस्सों में तकसीम कर लिया। जितनी तहरीरें होती हैं उसके मुताबिक उसको तकसीम कर लिया जाता है। अब वीडियो आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप कुछ सीख कर ही जाएंगे। और गुजारिश है तमाम देखने वालों के लिए कि आप SR प्रोडक्शन के इस सेगमेंट को भी पसंद कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कमाल महारत के साथ कपड़े को टांग लिया, फिर उसे कुछ रंगों के साथ तकसीम कर लिया। कलर कम्बिनेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। देख लीजिए कि दो रंगों के साथ फिर इसको अलग करने के लिए तीसरे कलर की हेडलाइन या आउटलाइन देनी पड़ती है, वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे। मज़ीद सफाई के लिए आप इसे फुट के साथ लंबी लाइन भी लगा सकते हैं। ख़त नस्तालीक लिखना इंतहाई आसान होता है, लेकिन अगर मश्क हो, जितनी मश्क पुख्ता होगी इतनी लिखाई आसानी से कर सकते हैं। हमने दो अल्फाज का चुनाव किया, ईद पैकेज ऊपर लिखा जाए, छोटे अल्फाज के लिए हमने नीचे जगह छोड़ दी। मेन टाइटल ज़ेर इंतज़ाम की जगह ऊपर छोड़ दी। मिन जानिब के लिए अलग से एक जगह बना ली। शुक्रिया के लिए भी एक अलग जगह का तायुन कर दिया ताकि आसानी रहे। और गुजारिश है तमाम देखने वालों के लिए कि आप SR प्रोडक्शन के इस सेगमेंट को भी पसंद कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।